मगही इंडस्ट्री से जुड़ी एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि रोशन रोही और किरण सिंह एक दूसरे से एक बार फिर से लोग अलग हो गए हैं। दोनों में एक बार फिर से हुआ बगावत, जहां एक दूसरे के ऊपर लोग गाना भी गा रहे हैं। पहली बार किरण सिंह गाना गाई है रोशन रोही के ऊपर अलग होने के बाद कि लग गेलो बेटा 376 चल जेमही तू भीतर। वही दूसरी तरफ रोशन रोही भी गाना गाए हैं, यानी पहली बार रोशन रोही और किरण सिंह चुनौती देते हुए एक दूसरे के ऊपर लोग गाना गा रहे हैं। जहां एक तरफ किरण सिंह गाना गाती है कि धारा लग लो 376 बेटा चल जेमही तू भीतर, फिर रोशन रोही गाना गाते हैं कि जोगे छोड़ी 76 धारा लगे नहीं 376। यानी पहली बार मगही इंडस्ट्री में दूसरे के ऊपर लोग गाना गाने पर तुल गए हैं। ये कैसा एक दोनों के बीच बगावत है, दरार है कि एक दूसरे के ऊपर लोग गाना गाने पर भी तुल गए हैं और 2 महीना साथ रहते हैं। पटना हाई कोर्ट में शिवनंदन भारती जो पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं उनके सामने मान मनौवल होता है, शर्तें होती है, बॉन्ड बनती है, फिर भी एक दूसरे के साथ लोग नहीं रह पाए। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के लेखक भी आए थे वहां पर मान मनौवल में, लेकिन सारा कुछ गारत हो गया। रात तक ये पटना हाई कोर्ट में होता है दोनों के बीच मान मनौवल, शर्तें होती है, बॉन्ड बनती है, रात में एक ही गाड़ी से दोनों साथ भी जाते हैं। रोशन रोही स्वीकार भी करते हैं कि अब रखेंगे, शादी भी करेंगे होली से पहले, लेकिन होली से पहले शादी नहीं हुआ, बर्बादी हो गया, अब एक दूसरे के साथ लोग नहीं रह पाए। किरण सिंह गाना गा रही है, जो कि देख सकते हैं तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, ये किरण सिंह गाने में हंस तो रही है, लेकिन ये हंसी सच्चा नहीं है, ये झूठा हंसी है, जबरदस्ती हंसा जा रहा है किरण सिंह के द्वारा। ये जो आप हंसी देख सकते हैं किस प्रकार से नाच रही ठुमक रही है, लेकिन ये नाचना ठुमकना ओरिजिनल नहीं है, ये तो नकली है। बाकी पटना हाई कोर्ट में ये दोनों मान मनौवल होता है दोनों के बीच, दोनों स्वीकार भी करते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे। रोशन रोही कहते हैं कि होली से पहले शादी भी करेंगे, लेकिन शादी ना होकर बर्बादी हुआ, एक बार फिर से दोनों के बीच बगावत हो गया है, दोनों के बीच दरारें आ गई है। बाकी इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, हर पल की अपडेट आप सभी को देते रहेंगे। धन्यवाद।